छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे फ्रिक्शन फोर्स, वो होता है जो कोई फोर्स जो मोशन को अपोज करे उसको फ्रिक्शन कहते हैं। मोशन से ज़्यादा अच्छा आप ये बोलो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। रिलेटिव मोशन क्या होता है, दो बॉडीज़ के बीच में जो आपस में मोशन होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी आगे चल रही है, तो इनके बीच में आपस में मोशन क्रिएट हो रहा है, इसे कहेंगे रिलेटिव मोशन। वो फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे उसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन क्यों आता है, किस वजह से राइज होता है, कोई बच्चा बताएगा फ्रिक्शन लगता क्यों है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स का आपसी प्यार। ये मॉलिक्यूल इसके ब्लॉक के जमीन के मॉलिक्यूल से बहुत प्यार करते हैं। जब ये आगे जाता है वो कहते हैं होने नहीं देंगे जुदा, मत जा छोड़ के मुझे, ठीक है। अच्छा गाना गाते हैं, उसको रोकते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं उसका, तो इस वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है बच्चे। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किसकी वजह से? इसलिए क्या कहा जाता है, अच्छा अट्रैक्शन के चक्कर में मत पड़ो, वहीं रह जाओगे, फ्रिक्शन के चक्कर में वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। यहीं ये कहे कि अट्रैक्शन ख़त्म करो तो आगे बढ़ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अच्छे फ्रिक्शन लगता है अट्रैक्शन के चक्कर में और इस वजह से वो बॉडी रुकती है। जब हम 9 क्लास में थे तो हमने बच्चे फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि फ्रिक्शन के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं, कहीं कहीं जगह फ्रिक्शन बहुत काम का होता है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, पेन से कॉपी पे लिखते हैं, किसी सीट पे बैठते हैं, वहाँ फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारे जूतों के सोल घिस जाते हैं, मशीनरी के पार्ट्स घिस जाते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस होता है। बट ये खैर चीज़ 9 क्लास की है तो 11 क्लास में इसका डिस्कशन इतना डिजायरेबल नहीं है। बट फिर हमें क्या पूछा जाता है, फिर हमसे पूछा जाता है फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और इसको हम दो भाग में कहते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। बट इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। अब ये कहानी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 11 क्लास का है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखो बच्चों, हम आमतौर पर सोचते हैं कि कोई बॉडी चल रही होती है किसी सरफेस पे तो फ्रिक्शन लगता है, ऐसा नहीं है। कोई बॉडी रेस्ट पे भी रखी है तो भी फ्रिक्शन लगता है। कैसे, मान लो आपका क्या नाम है बच्चे? अर्नव। ये अर्नव है, इसको एक बक्सा मुंह कराने के लिए दे दिया मैंने। इधर 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 देखो बच्चे, ये धक्का लगा रहा है ऐसे। इसने ना जान लगा दी, इसने ना 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ब्लॉक पे, पूरी जान लगा दी। ठीक है, इसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक पे, कहता आज तो ब्लॉक को खिसका के रहूंगा, बट ये ब्लॉक फिर भी मूव नहीं कर रहा है। ये परेशान कह रहे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा बताओ बच्चे, ब्लॉक क्यों नहीं मूव कर रहा? तो सर सही हो गया था क्योंकि ये खत्म है, साफ लैंग्वेज में रो भाई। अरे बच्चे ऐसा नहीं, मतलब फिजिक्स के हिसाब से बताओ ना जल्दी से मुझे। सर क्योंकि फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, बट ये तो बॉडी रेस्ट पे है, ये तो चल ही नहीं रही है अभी तक, ये तो रेस्ट पे है, फिर कैसा फ्रिक्शन? कैसा होता है कि रेस्ट पे भी फ्रिक्शन लगता है? बिल्कुल लगता है। फ्रिक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, फ्रिक्शन हमेशा तब लगता है जब बॉडी मूव कर रही होती है और टेंड्स टू मूव होती है। अभी टेंड्स टू मूव का मतलब क्या होता है, जब मूव करने की कोशिश कर रही होती है, मतलब मूव होने वाली होती है, मूव कर रही होती है तो भी लगता है और जब मूव होने वाली होती है तो भी। अभी ये ब्लॉक मूव होने वाला है, मूव करने की कोशिश कर रहा है तो भी इस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। और 100 न्यूटन ये लगा रहा होगा तो 100 पीछे से क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस वजह से इसमें नेट फोर्स क्या हो जा रहा होगा, जीरो हो जा रहा होगा और ये बॉडी नहीं चल पा रही होगी, इसलिए परेशान। अब ये क्या करेगा इसके बाद, इसको तो ब्लॉक मूव कराना ही कराना है। इसने मूवी देख लिया इंस्पिरेशन वाली, सुल्तान उल्तान या जो भी मान लो कई सारी, या मिल्खा सिंह मूवी देख ली इसने मान लो, तो ये तो हार नहीं मानेगा, गाना गाएगा कोयला काला है, हार नहीं मानेंगे। चलो अच्छे, अब ये और फोर्स बढ़ाएगा, इसने कितना फोर्स अप्लाई किया था, 100 न्यूटन का, ये देखो अच्छे अप्लाइड फोर्स था, ठीक है। और फ्रिक्शन कितना था, कितना फ्रिक्शन लग रहा था, 100।
देखो अच्छे, अभी बॉडी रेस्ट पे है, देखो अच्छे अभी इस टाइम पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे। ऐसे टाइम पे बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगता है उसका स्पेशल नाम होता है, उस टाइम पे जो बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा होता है, इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका स्पेशल नाम होता है, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे होती है, मोशन में या टू टेंस टू मूव में मूव करती कर रही होती है, टेंस टू मूव, जब कोई बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही होती है उस पे जब उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि अभी तो बॉडी मूव कर रही है बट करने की कोशिश कर रही है बट कर नहीं रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने कहा भाई हम तो हार नहीं मानेंगे, इसने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया, इसने कहा दुगना फोर्स लगाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, 200 न्यूटन कर दिया, बट फिर से ये परेशान, फिर से इसने धक्का लगाया फिर भी बॉडी नहीं बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया 200 न्यूटन। अब आप कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाए, बिल्कुल, जब बॉडी रेस्ट में होती है ना आप जान लगाते हो फ्रिक्शन भी जान लगाता है, आप जान लगाते हो बॉडी चल जाए, फ्रिक्शन जान लगाता है बॉडी ना चले, उसका तो काम यही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपने आप को चेंज कर सकता है, वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। इस वजह से देखो अच्छे, फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, अपने आप को क्या क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका एक स्पेशल नाम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, भाई हम भी बढ़ेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे डट के। अब आप और फोर्स बढ़ाओगे ये और बढ़ेगा, आपने 300 लगाया ये और बढ़ गया, सुनो सुनो अच्छे सुनो, जिंदगी में एक लिमिट होती है, एक बार मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिल ही जाता है, तो एक लिमिट तक तो करनी पड़ती है ना मेहनत, एक लिमिट तक रिजल्ट नहीं दिखते। अब आप पढ़ाई करोगे एक लिमिट तक, मेहनत करोगे उससे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा करोगे ज़्यादा करोगे एक टाइम आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई नहीं बच्चे। तो मान लो अब क्या हुआ कि इसने 300 न्यूटन किया, अभी थका रही है, कहता है यार अब तो बहुत हो गया, एक लिमिट तक लगा दिया, अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। बट एक्चुअली क्या होता है अच्छा, ऐसा नहीं होता है भाई, फ्रिक्शन भी तो एक लिमिट पर हार ही जाएगा। अब मान लो इसने कहा कि मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, अब इसने क्या किया 301 न्यूटन अप्लाई कर दिया और फ्रिक्शन की लिमिट ही 300 थी, मान लो लिमिट, लिमिट का मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन की भी लिमिट होती है भाई, वो सेल्फ एडजस्ट करता है बट एक लिमिट तक जा सकता है, इनफाइनाइट नहीं जा सकता है भाई, लिमिट होती है हर चीज़ की, कि भाई बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बट एक लिमिट बाद वो उसके बाद और नहीं बढ़ पाएगा। तो जिस लिमिट पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो तो अच्छे छोड़ो ना उसकी बात कर, अरे बच्चे इधर देखो, इधर देखो यार, सीरियसली देखो थोड़ा सा, अभी आप लोग सीरियसली देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट जब मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक जा सकते हैं उसको लिमिटिंग कहते हैं। जरूरी ये 300 ही हो भाई, हर सिचुएशन में अलग अलग होती है, वो तो क्वेश्चन जैसा दिया जाएगा या जैसे वैल्यू वो बच्चे भी देखते हैं, उस पर मत देखो जाओ, बट हर केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमारा एग्जांपल है, बोलो बच्चे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट किस पे डिपेंड होती है वो भी बताएंगे अभी, बट पहले ये समझ में आ गया एक लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम की चीज़ होती है। बट अब अगर ये 300 से ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो उसके बाद बॉडी क्या हो जाएगी, हे मूव कर जाएगी और बॉडी चलने लग जाएगी। जैसे ही बॉडी चलेगी तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन ना बोल के क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। जब बॉडी चलने लग जाती है उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो बच्चे, हमारे पास अभी ये सिचुएशन है कि अब बॉडी जब चलने लग जाएगी उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी चलने लग जाती है तो लगता है, और जैसे ही बॉडी चलने लग जाती है तो फ्रिक्शन की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। ड्रॉप मतलब जैसे मान लो अभी 300 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा था, तो अब थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, मान लो अब हो गया, अब फ्रिक्शन लगेगा 200,
ये काइनेटिक है और अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब बॉडी चलती रहती है तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहता है। ठीक है बच्चे, जब बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है या मूव करने की कोशिश कर रही होती है उस टाइम बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक जा सकता है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी चलने लग जाती है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन आमतौर पर लिमिटिंग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो ये सिचुएशन है कि पहले बॉडी पे आपने 100 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन 100 लग रहा है, आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन ने अपने आप को बढ़ा लिया, सेल्फ एडजस्ट कर लिया, क्या किया, सेल्फ एडजस्ट, वो आप बढ़ाते गए वो बढ़ाता गया, बट वो एक लिमिट तक जा सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे बॉडी चलने लग जाएगी, जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। लिख लो बच्चे कॉपी वॉपी में, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी चलने लग जाती है। आप खुद ही देखो बच्चे, कोई चीज़ आप खिसका रहे होते हो पहले खिसकती नहीं है, बट जैसे ही खिसकती है एकदम से ज़्यादा खिसक जाती है। बेंच कोई खिसका रहे होते हैं स्टार्टिंग में तो खिसक नहीं रहा होता है, बट जैसे ही आप फोर्स लगाते हो बहुत ज़्यादा खिसक जाता है, क्योंकि पहले तो वो अपोज कर रहा होता है, जैसे ही आप मूव कराते हो एकदम से फ्रिक्शन कम हो जाता है और ज़्यादा खिसक जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसका एक ग्राफ होता है बच्चे, ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो ग्राफ है ये हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ग्राफ है ठीक है, थोड़ा सा देखना। ये जो ग्राफ होता है ये अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ होता है, दिखाते हैं। देखो बच्चे, जैसे हमने दिखाया है यहाँ पर, ऐसे ही हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज़ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम अप्लाइड फोर्स दिखा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहे हैं। देखो बच्चे, आप ये देखना, जब बॉडी रुकी हुई है, देखो आप लाइट फोर्स आप बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो ये बढ़ रहा है, तो ये पहले लीनियर होता है। जब बॉडी रेस्ट पे होती है स्टैटिक सिचुएशन में, ये स्टैटिक है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते आते हो, आपने बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, बट एक टाइम में क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गए, उसके बाद बॉडी चलने लग जाती है, फ्रिक्शन ड्रॉप हो जाता है। ये पॉइंट कहलाएगा FL। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज FL? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद हमने अप्लाइड फोर्स क्या किया, और बढ़ाया। देखो जैसे मान लो 300 तक आए, ये 300 तक, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। देखो फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स है, क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। या फिर इसको स्मॉल लिख देते FK इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, काइनेटिक का हिस्सा है आगे, सर कौन सा जो कम वाला है। अच्छे, मैक्सिमम लिमिटिंग होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग होता है, ये स्टैटिक होता है। यहाँ तक बॉडी रेस्ट पे थी, यहाँ से बॉडी चलने लगी, मूव करने लगी। ये ग्राफ है अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स का। देखो बच्चों, बोर्ड पे हमने आपसे पूछा है कि क्या बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी है, लॉकस का मास 10 kg है, इनिशियली वो रेस्ट पे था, उस पर एक्सेलेरेशन और फ्रिक्शन बताना है हर केस में, जब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन 80 न्यूटन है। तो पहले दिया गया है कि अगर उस पर 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया तो क्या होगा, और दूसरे केस में बोला गया उस पर 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया तो क्या होगा। देखो जब पहले केस में अगर 90 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और बॉडी पहले से रेस्ट पे है तो बॉडी चलेगी नहीं चलेगी, बॉडी नहीं चलेगी। कारण क्या है, आपने 90 लगाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कहाँ तक जा सकता है, 100 तक, तो 100 तक जाके आपको रोक सकता है, तो 90 को तो इजीली रोक ही लेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, आप 90 लगा रहे हो 90 लग जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और एक्सेलेरेशन फिर क्या हो जाएगी, 0। बट क्या हुआ, दूसरे केस तक आप फोर्स बढ़ाते गए और आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया। अब बॉडी मोशन में आ जाएगी, यहाँ बॉडी मोशन में होगी। अब बॉडी पे अगर देखें तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, 120 न्यूटन आगे लग रहा होगा, पीछे कितना लग रहा होगा, 100 या 80? सर 80।
अब कई बच्चे कहेंगे सर 100, नहीं अब तो बॉडी चल गई है ना, चलने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है, और कितना लगता है काइनेटिक, अब इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा होगा टोटल, 40, 120 माइनस 80, 120 आगे लग रहा है, 80 पीछे लग रहा है, टोटल नेट फोर्स क्या हो 40, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी आगे 40 बाय 10 क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा 18 न्यूटन। कोई डाउट बच्चों, ये वैल्यूज हैं, ये इसका आंसर आएगा और ये इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रिक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा जो चीज़ जितनी भारी होती है उसको खिसकाना मुश्किल होता है, कि अगर कोई भारी सा बॉक्स है तो उसका आप मुश्किल से खिसका सकते हो। मान लो एक हैवी बॉक्स है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मूथ सरफेस या फ्रिक्शन लेस, स्मूथ और फ्रिक्शन लेस एक ही होता है, उसको खिसकाना आसान है या मुश्किल है, क्यों बताओ, क्यों फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो आप किसी भी भारी से भारी चीज को, एक मिनट आराम से आराम से, ज्यादा जोश नहीं, बच्चे नारे नहीं लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर देखो बच्चे, तो फ्रिक्शन अगर नहीं है हमारे पास तो इसलिए आप किसी भी भारी से भारी चीज को खिसका सकते हो, बट अगर फ्रिक्शन होगा तो खिसकाना मुश्किल होता है। इसका मतलब हम एक चीज जान सकते हैं कि अगर बॉडी हैवी होती है तो उस पर ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अभी नॉर्मल रिएक्शन का वेट से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, कैसे, एक बॉडी का जितना नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा। एक्चुअली क्या है कि बच्चे जितना एक बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब अगर वेट ज्यादा होगा, भारी बॉडी होगी तो नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उतना जमीन नॉर्मल रिएक्शन देगी, और नॉर्मल रिएक्शन अगर ज्यादा लगेगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो मेनली फ्रिक्शन इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कॉन्स्टेंट लगाते हैं, इसको म्यू कहते हैं, और ये जो म्यू होता है बच्चे, ग्रीक अल्फाबेट है म्यू, एक होता है न्यू, ऐसे कहते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी, ये होता है म्यू, म्यू हर जगह यूज करो, ग्रीक अल्फाबेट है, अच्छे इसे कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कॉन्स्टेंट है, ये नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे, कई कई नेचर, कई कई जगह दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में होती हैं, तो अगर जैसे मान लो रफ सरफेस है काफ़ी ज़्यादा, बहुत रफ है, दो बॉडीज के बीच में जो दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में है उनका जो सरफेस है रफ है तो उनका कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर स्मूथ है थोड़ी सी रिलेटिवली तो उनका कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो एक हमारे पास बहुत हैवी सा बॉक्स है, उसको एक बहुत रफ सरफेस पे हमको लेके जाना है, तो रफ सरफेस पे लेके जाना है तो रफ सरफेस में कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, तो खिसकाने में मुश्किल होगी। और उसी बॉक्स को थोड़े स्मूथ सरफेस पे लेके जाना है तो एन तो सेम ही रहेगा, वेट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया बच्चों? अब जैसे मान लो कोई भारी सा बॉक्स है, देखो बच्चे रफ सरफेस ज़्यादा होगा ना जिसमें कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो वहाँ पे उसको मूव कराने में दिक्कत होगी। आप जैसे स्मूथ सरफेस होता है आराम से धक्का मार दो चली जाती है, बहुत रफ सरफेस हो उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा हो तो उस पर आपको चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसका कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट खैर हमें इससे तो मतलब नहीं, हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो हमको जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन किया हुआ होगा। तो जो ये फ्रिक्शन होता है इसके भी फॉर्मुलेज होते हैं दो, क्यों, क्योंकि हमने फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक्चुअली क्या है इसकी, इसमें अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, लिमिटिंग के केस में कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होती है और काइनेटिक के केस में कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होती है। हमेशा आमतौर पर लिमिटिंग कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चे जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा समझाते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, ठीक है, और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इस, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, उस सरफेस में और इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कॉफिशेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.5 है और कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। अब देखो बच्चे कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन देने से हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया हुआ 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, वेट कितना होगा, सबसे पहले बताओ उसका। मास 10 है तो वेट कितना होगा 100। अगर जमीन पे इसका जो वेट है 100 लगेगा तो जमीन भी कितना फोर्स देगी इस पे 100। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 100। तो नेट फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पे कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी 0.4 दिए हुए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अच्छे वैल्यूज कुछ भी दी हो सकती है, तो अभी मैंने ये वैल्यू लिया। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई बच्चा बताएगा 50 क्या है और 40 क्या है। फिफ्टी लिमिटिंग फ्रिक्शन है और 40 काइनेटिक फ्रिक्शन है। मतलब कि अगर बॉडी को रेस्ट से चलाना है हमको तो कम से कम 50 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगेगा, क्योंकि लिमिटिंग मतलब इतना तो देना ही देना पड़ेगा। बट अगर बॉडी चल गई तो चलने के बाद जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि चलने के बाद उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। देखो अच्छे, दोनों फ्रिक्शन अलग अलग होते हैं तो दोनों में वैल्यूज़ भी अलग अलग ही तो निकलेंगी। अब ऐसा थोड़ी है कि लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती हैं तो दोनों के लिए कोएफिशिएंट भी क्या होगा अलग अलग होगा, तभी तो वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। जैसे लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों की वैल्यू अलग आएंगी। तो इस तरीके से बच्चे हमको ये दे रखा होता है, एक बार देख लो अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बच्चे इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कुछ क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने कुछ लास्ट क्लास में किया था। तो इसमें क्या है बच्चे, हमें फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है 0.04, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसका, इसका फोर्स कितना लगेगा 200 न्यूटन mg। कितना आ जाएगा बच्चे बताना है इसको, 200 8×80 डाउनवर्ड फोर्स इसका कितना आएगा 30 न्यूटन। तो ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, 8 न्यूटन का फोर्स जो है फ्रिक्शन इसको रोक रहा है और 30 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब इसके बाद क्या था बच्चे, मैंने आपको बताया था, आप पीछे कॉपी खोल के देखना, इसका इसका FBD बनाएंगे हम, इसका FBD बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉपी खोल के देखो, जब पढ़ाई करो डेली बेसिस पे, आप लोग नहीं करोगे तो बाद में कहोगे कराया नहीं था। टॉपिक के बाद हम कुछ और भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अभी लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एक्चुअली ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, बट लॉज ऑफ फ्रिक्शन में 2-3 लॉज होती हैं जो आपको बताना जरूरी है। कभी एग्जामिनेशन में इसकी इतनी वर्थ नहीं होती, बट मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ जैसे कि नोट्स में मेंशन है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला यह कहता है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जो कि हमको भी पता है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमने फॉर्मूले में देखा है कि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी चीज़ ये दे रखी है बच्चों, फ्रिक्शन जो होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पर बच्चे देखते हैं कि कहते हैं कि सर ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। एक्चुअली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में 2 एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे बता सकते हो? जैसे मान लीजिए किताब है, ये टेबल पर रखी हुई है, तो इसका ये जो एरिया है वो टेबल के साथ कांटेक्ट में होगा। क्या ये पूरा एरिया कांटेक्ट में होगा या कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, या इससे कम होगा? क्यों ज़्यादा होगा नीचे का सरफेस है ना, बाकी तो। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, ये किताब है, इसका मान लो कुछ एरिया आ गया ए, अगर इसको टेबल पे रख दिया हमने, तो क्या इसका पूरा एरिया जमीन के कॉन्टेक्ट में होगा या नहीं होगा? ऊपर से देखा जाए तो पूरा ही होगा, बट एक्चुअली क्या होता है, इसका सरफेस उबड़ खाबड़ होता है। तो उबड़ खाबड़ होने से जो हिस्सा टच कर रहा है वो कम होता है। देखो ये होता है ना ऐसे उबड़ खाबड़ एरिया, देखो ये, देखो ये, देखो यूं, तो टच कौन सा हिस्सा कर रहा है देखना, इससे सारा एरिया, सारे हिस्सा टच कर रहे हैं या कुछ कुछ टच कर रहा है? ये गैप्स है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हम एरिया देखते हैं वो पूरा कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा अलग होता है और अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग होता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता और एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, जो कि हम इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमको नहीं पता चलेगा। हमको क्या पता चल रहा है कितना कॉन्टैक्ट में कितना नहीं, हर चीज़ में हर चीज़ उबड़ खाबड़ होती है बच्चे। बड़ी स्मूथ से स्मूथ भी हो, अगर आप उसको मैग्नीफिकेशन करके देखो तो आपको स्मूथ चीज़ भी कैसे दिखेगी, उबड़ खाबड़ दिखेगी। चेक कर सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको दिखेगा। खैर ये हमारे लिए अच्छे ऐसा सच कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हम
ज़रा टाइम यूज़ करें तो हम आपको और आगे की कुछ चीज़ें बताते हैं। और आगे की चीज़ बताने से पहले बच्चों मैं एक क्वेश्चन और आपको देना चाहता हूँ, जिससे जो फ्रिक्शन है जिसको आप करो थोड़ा सा आपके और कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे ये है कि एक दीवार है, वॉल, ये वॉल है कितना देखो बच्चे, इस पर किताब है, जैसे किताब है अगर मैं इसको से प्रेस कर दूँ वैसे, अरे देखो अच्छे क्या ये गिर क्यों नहीं रही है बता सकते हो, लूज कर दिया गिर रही है, कोई बच्चा बता सकता है कि फ्रिक्शन यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, कैसे फ्रिक्शन वर्क करता होगा, दो मिनट सोचने के लिए दे रहे हैं, ट्राई करो बच्चे। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा इधर ऐसे क्या खास बात है कि अगर मैं इस बुक को पुश करता हूँ जब तक इसमें मैं फोर्स लगाता हूँ तब तक की बुक टिकी रहती है, वरना ये बुक नीचे आ जाती है। एक्चुअली इसका एबीडी स्टडी करते हैं, एबीडी मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बॉडी पे लगने वाले फोर्स, इसका वेट जो है जो अर्थ लगा रही है नीचे की तरफ वो इसको नीचे खींच रही है, तो फिर इसको कौन रोकेगा, इसको रोकेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये लगेगा फ्रिक्शन इधर देखो अच्छे इधर देखो, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन लग क्यों रहा है यहाँ पर, कैसे काम कर रहा है, ऐसा क्या है इस फोर्स में कि इसके होने से फ्रिक्शन लग रहा है, इसके ना होने से फ्रिक्शन नहीं लग पा रहा। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, हम एक्शन लगाते हैं, पुश करते हैं और दीवार हमको क्या देती है इसके अगेंस्ट, अपोजिट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। आप दीवार पर गुस्सा मारोगे आपके हाथ पर भी चोट आएगी क्योंकि आप एक्शन लगा रहे हो और दीवार उसका रिएक्शन देती है। अगर आप एफ फोर्स दे रहे हो दीवार उतना ही फोर्स देती है आपको, अगर आप 100 न्यूटन दोगे तो दीवार भी 100 न्यूटन देगी। और एक तरीके से आप ये देखो बच्चे, आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो इसके साथ, तो इसके मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसके, बुक के और दीवार के। जब मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन अराइज होगा। इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है, मैथमेटिकली ऐसे कि एक्शन लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है, और दूसरे वे में थियोरेटिकल वे में ये देख सकते हो कि अगर आप इसको पुश करोगे दीवार के साथ तो दीवार के मॉलिक्यूल और बुक के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से बुक गिरने से रुकेगी। जैसे बच्चे फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वजन की वजह से होता है, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वजन हो, वेट हो, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कोई भी फोर्स जो किसी सरफेस से 90 डिग्री पर लगता है और सरफेस हमको वापस देती है इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सरफेस पर खड़ा हूँ, मेरा वेट लग रहा है नीचे, इधर देखो अच्छी, हाँ कौन से ख्याल में खूबी, शादी वादी के ख्याल में तो नहीं चली गई बच्ची, लहंगा पहनूंगी ये वाला अच्छा चलो अच्छा, अरे बच्चे रहने दो बच्चे, बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, कोई सोचता भी नहीं है इतना। तो इधर देखो अच्छे, तो एक्चुअली क्या है, देखो अच्छे एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम देख रहे थे, तो एक्चुअली ये नहीं है कि हमेशा वेट की वजह से ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो, ऐसा हो सकता है किसी भी फोर्स की वजह से, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो जो सरफेस है हमको वापस जो फोर्स देता है उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लो आप किसी अपने रिलेटिव को 200 रुपये दो तो वो इसी को वापस दे देगा, आपको पकड़ा देगा, ये हो गया आपका वो एक्शन और उसका हुआ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है अच्छे। तो ये है यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं बच्चे, जल्दी से ट्राई करना है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, बुक इसलिए नीचे गिर रही थी जब हम इसको लूज कॉन्टेक्ट में रखते हैं, इधर देखो बच्चे, तो हमारा एक्शन कम हो जाता है, एक्शन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन अगर कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम रह गया और वेट ज़्यादा हो गया तो बॉडी नीचे खिसक जाएगी। तो अगर मैं इसको ज़्यादा टाइटली पुश करूँगा, फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा, फोर्स बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इसलिए वो बुक को रोक पाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई बच्चे, बोल। चलो बच्चे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक बुक है उसका मास 10 kg है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन बुक एंड सरफेस, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ताकि बुक रेस्ट पर रहे,
देखो अच्छे, अगर बुक रेस्ट पे रहे तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब फ्रिक्शन कम से कम वेट को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, इसको अगर बैलेंस कर पाएगा तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। और मान लो अगर ऐसा ना हो पाया, अगर वेट ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन से, तो बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी बॉडी। चलो अच्छे क्वेश्चन करो, जल्दी से कंप्लीट करो। अच्छे अगर हम देखें, हमें दिया है कि बुक रेस्ट पे रहे, बुक ना गिरे, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.05। नॉर्मल रिएक्शन एम कितना है, एम जी कितना हो जाएगा फिर, 10 × 100। अब नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है बेसिकली, कितना नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, मतलब कितना, एक्चुअली जितना हम फोर्स देंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा। मैंने आपको बताया ना, हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्शन देंगे, उतना ही हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए, 100/0.05। क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, 2000 N आ जाएगा। अगर हम 2000 देंगे तो हमें 2000 नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, उस नॉर्मल रिएक्शन के बेसिस पे बॉडी टिकी रहेगी, फ्रिक्शन मिलेगा, और फ्रिक्शन की बेसिस पे बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर 2000 से कम लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। देखो बच्चों, ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, अब हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी हम इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब देखो बच्चे, दो चीज़ों में हम बात करते हैं, कभी कभी बॉडी जब स्लाइड करती है तो भी बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है, जब बॉडी स्लाइड करती है तो बॉडी पे आपने देखा होगा फ्रिक्शन लगता है, और इवन जब बॉडी रोल करती है तो भी बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है। अच्छा बताओ बच्चों, पहियों का आविष्कार क्यों किया गया था, पहियों के आविष्कार से क्या फ़ायदा है, इन्वेंशन से क्या फ़ायदा हुआ? अरे यार, एक लो गदा, ठीक है, ऐसा इंसान। अरे बच्चों, आप अस्यूम क्यों कर रहे हो, आप, मैंने कह दिया गधा है तो गधा है ना। अब इसके ऊपर घोड़ा गाड़ी है बच्चे, घोड़ा गाड़ी बनी हुई है। अगर इसमें टायर ना हो तो क्या होगा बच्चे, टायर ना हो तो क्या होगा, अगर टायर ना हो, देखो देखो अच्छे, अगर नीचे टायर ना लगे हो तो ये स्लाइड करेगा, इन दैट केस स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो हम टायर लगा देंगे तो रोल करेगा तो थोड़ा फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन कम लगता है और स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, बताओ? रगड़ती है बॉडी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और रोलिंग के केस में फ्रिक्शन कम लगता है। कह सकते हैं बच्चे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बेसिस पे कि स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है और रोलिंग में कम लगता है, इवन रोलिंग में काफी कम फ्रिक्शन लगता है, आप देख सकते हो, इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस। देखो बच्चे, आइडियली, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, रोलिंग में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है और स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, तभी हम टायर्स यूज करते हैं। इवन रोलिंग में फ्रिक्शन बहुत कम या जीरो लगना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको जब हम आगे पढ़ेंगे, तो जीरो फ्रिक्शन लगना चाहिए। अब ये जीरो क्यों नहीं लगता, थोड़ा ठीक ठाक फ्रिक्शन इसलिए लगता है, एक्चुअली क्या होता है, जो टायर्स हम देखते हैं रोड पे रोल कर रहे हो, प्योरली रोलिंग मोशन में नहीं होते वो, अगर कोई टायर इसमें हवा ढंग से नहीं भरी हुई है, ऐसा सा टायर है, प्रॉपर टायर नहीं है, ऐसा टायर है इसमें हवा भरी हुई नहीं है, तो देखो प्रॉपरली वो रोल नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई चीज़ प्रॉपरली रोल करती है, अगर आप हवा वगैरह टायर में मेंटेन रखते हो तो प्रॉपरली अच्छे से रोल करेगा वो, तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। और एक्चुअली क्या, आइडियल सिचुएशन में रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन जीरो होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये जान के हैरान हो जाओगे, सर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो बॉडी चलती जाएगी, बिल्कुल बताएंगे आपको, बट एक्चुअल में क्या है कि प्योर रोलिंग कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये बात भी है, बस ये ध्यान रखना चाहिए, रोलिंग मोशन में स्लाइडिंग के कंपैरिजन में फ्रिक्शन काफ़ी कम लगता है, और लगता भी है तो उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है।